हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, और यह आपका जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आपको पता ही होगा कि चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है, जो है 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर। दोस्तों, चैनल पर अगर 5 तरीकों से व्यू आ रहे हैं तो उनका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। इनमें 4 पुराने और 1 नया है। नंबर 1, अगर आपके किसी वीडियो पर व्यूज और वॉच टाइम अच्छा खासा आ गया है और उस वीडियो को आपने प्राइवेट कर दिया है तो आपका वॉच टाइम नहीं काउंट होगा। मतलब यह है कि यूट्यूब टोटल वॉच टाइम से प्राइवेट वीडियो का वॉच टाइम माइनस कर देगा। नंबर 2, अनलिस्टेड वीडियो, अगर आपने वीडियो को अनलिस्ट कर दिया है तो भी वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा। नंबर 3, डिलीटेड वीडियो, मान लीजिए आपने कोई वीडियो डाला है और उस पर अच्छा खासा वॉच टाइम आ गया है जिससे आपका वीडियो मोनेटाइज हो सकता है, उसे आप डिलीट करोगे तो वॉच टाइम भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, बार बार वीडियो को डिलीट ना करें। नंबर 4, एड कैंपेन, अगर आपने गूगल एडवर्ड के थ्रू वॉच टाइम लाए हैं तो वो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि प्रमोशन का वॉच टाइम यूट्यूब काउंट नहीं करता है। नंबर 5, जो बिल्कुल नया है, वो ये है कि दोस्तों, अगर आपने स्टोरी डाला है यूट्यूब पर और उस स्टोरी में आपने अपने किसी वीडियो का लिंक दे रखा और जब आपके लिंक पर कोई क्लिक करके आपके वीडियो का वॉच करेगा तो यूट्यूब वॉच टाइम काउंट नहीं करेगा। ये पहले रूल नहीं था, ये नया आया है। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को अगर मोनेटाइज करना है तो जेन्युइन वीडियो डालो, ऑर्गेनिक व्यूज लाओ। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।